अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डेली फरीद ब्लॉग। आज का ब्लॉग गाड़ी से शुरू करेंगे क्योंकि आज टाइम हो रहा है 7:30 और ठंडी का टेम्परेचर है 11। ओ माय गॉड, आज का ब्लॉग मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज स्कूल है, संडे है। यार मैं ना ब्लॉग वो पोस्ट कर रहा हूँ, जरा पता नहीं पोस्ट ही नहीं हो रहा है, बना बना के एडिट कर करके रख रहा हूँ। पता नहीं यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पोस्ट नहीं हो रहा है वीडियो। कुछ मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा, वो रेड लाइन आ रहा है बस, पोस्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या हुआ है। तो इंतज़ार करिए, जब प्रॉब्लम हो तभी मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, प्रॉब्लम हो तो पोस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अभी जा रहा हूँ, छोड़ दिया स्कूल से, अभी जा रहा हूँ घर, घर जाके मिलेंगे। बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है। आ गया मैं रूम पे, इतनी ठंडी है ना, मौसम भी भाई बहुत तगड़ा मौसम है। जैसे रूम में आते रूम में गर्मी लगती है क्योंकि हमने हीटर लगाया हुआ था, हीटर लगा के मदरसा गया था मैं सुबह नमाज को उठ के। चलो अभी मेरे को सालन बनाना है, चिकन बनाना है, दाल बनाना है, पता नहीं क्या क्या बनाना है, बनाएंगे, लेट्स गो। ना अभी खाना वाना बना के पेट्रोल डलाने के लिए आया हूँ। अभी देखो पूरा जीरो हो गया है, ठीक है, अभी इसको फुल कराता हूँ। फुल करा के आज 26 दिसंबर है, ठीक है, कितने तारीख में ख़त्म होता दिखाता हूँ तुमको, इतना घूमते हैं लोग। देखो सुबह के 10 बज रहा है, टेम्परेचर देखो 11 हुआ भाई, इतनी ठंड है ना। ये देखो स्टारबक्स है, यहाँ पे बहुत जाम लगा होता है, 503 किलोमीटर का पड़ गया है। कितने रुपए का पड़ा पता है, 140 रियाल का, 63 लीटर। अभी कितने दिन में ख़त्म होता वो दिखाता हूँ मैं। यार मेरे साथ ना बहुत बुरा हो रहा है अभी, एक तो YouTube में वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, दूसरा और एक परेशानी हो गई है। आराम से खाना वाना पका रहा था मैं, गाड़ी वाड़ी धो के, चलो ऑटोमेटिक सिम बंद हो गए। अबे यार पूरा पैसा खत्म, दिमाग गरम हो गया है, खत्म कहानी। वो पता नहीं 70 रियाल चले गए मेरे, अभी 70 रियाल इंडिया के तकरीबन 2000 रुपए के करीब। अभी जा रहा हूँ, अभी मदरसे का टाइम है, अभी जा रहा हूँ मदरसा लेके आके, फिर मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, कस्टमर वस्टम्बर को फोन लगा के सिम वम सब ऑन करना है मेरे को। यार पैसा सब चले गया भाई, क्या हो रहा है। एक टेंशन ये नीचे से रोड में, एक टेंशन अभी गाड़ी धो के आया हूँ, पानी देखा मेरे को बहुत खराब गुस्सा आता है। अब तो भाई ड्यूटी लग गई, जा रहा हूँ ड्यूटी, अभी सामान लेके दे के आना इसकी सहेली घर जाके, फिर उधर से सामान लाना है, चलो चलेंगे। यार क्या ठंडी है भाई सऊदी अरब में, धो के रुकाया हूँ मैं सुबह, बोल रहा है कि दोस्त बारिश आया है। भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, अगर बारिश आया ना समझो इंडिया चले जाऊंगा मैं अभी। हाँ यार गाड़ी गंदी हो गई भाई थोड़ी थोड़ी, ठीक है, अगर गाड़ी धोने के बाद पानी में बचा के अगर कितना भी मारा, बारिश आई गाड़ी गंदी हो ही जाती है, छत के नीचे लगाओ तो भी गाड़ी गंदी हो जाएगी। उतना गंदी नहीं हुई है, चलता है, लाइट में हुई है। अरे यार, और ये है तारिक अनस बिन मलिक, अनस बिन मलिक रास्ता है ये, ये है तमीमी, तमीमी सुपर मार्केट। इस साइड में जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये पता है सिर्फ 3-4 महीने में इतना हाइट उठा दी है इसको, इतना फास्ट है भाई काम यहाँ का, 3-4 महीने तकरीबन। हाँ मैं तो 3-4 महीने पीछे देखा था, सीधा नीचे था वो, अभी तो मुमकिन तकरीबन 21 फ्लोर या 22 फ्लोर तक चले गए लोग,
इस साइड का बोल रहा हूँ मैं, इस साइड का, उस साइड का नहीं, सामने जाऊंगा तो दिखाऊंगा तुमको। ये देखो आगे जाम लग गया, यही यही मेरे को दिमाग गरम करता है, ट्रैफिक जाम। देखो सामने से मलिक फात रोड है ये, और उसमें लिखा हुआ है देखो 20 तलक 21 तलक लिखा है, 21 फ्लोर तलक चले गया है, यही है भाई। इससे भी बड़ा ये है क्योंकि इसमें कमरे ज्यादा है, 3-4 महीने में तकरीबन चढ़ाया हुआ है ये। और ये है मलिक फात, ये देखो हॉस्पिटल कुछ बन रहा है। तेरे गाने से मैं राइट में मारा, अभी यहाँ से अंदर जाना है सीधा, जो पीछे है ये बिल्डिंग के दिख रहे है, ये मलिफात है, और ये मस्जिद से मुझे राइट मारना है इसके सहेली का घर, और सामान लेना है भाई। सुबह से ट्राई कर रहा हूँ मैं ब्लॉग एडिट करके डालने का यूट्यूब में, पता नहीं यार, देखो जब आता है तभी लास्ट तलक पोस्ट हो रहा है, लास्ट में रुक जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। सामान लिया हूँ, जा रहा हूँ अभी जाके, फिर दूसरे जगह जाना है, दूसरे जगह से सामान उठाना है। अभी सामने गाड़ी में जिम का सामान जा रहा है भाई, मैं ना वहाँ पे कैमरा लगा हुआ तो देखा ही नहीं, मैं तुरंत जल्दी से नीचे कर लिया। अभी इस ब्रिज से यूटर लेना है मेरे को नीचे से, हाथ दुख जाता है यार मोबाइल पकड़ पकड़ के। बाजू के गाड़ियां क्यों रुकी पता है, वहां पे है इशारा सिग्नल, हमारा है यू टर्न, हमको कोई सिग्नल नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे भी है 5 रियाल का, ये अबू खमसा बोलते हैं इसको, ये 5 रियाल का, यहाँ भी 5 रियाल में सब कुछ मिलता है। यहाँ भी बहुत दिन हुआ मैं नहीं आया है, बारिश का मौसम है, बारिश थोड़ा आया, गाड़ी गंदी हो गई, पता नहीं और क्या होता है। देखो वापस जाने का रास्ता, आने के टाइम पे ये वाली लेफ्ट में राइट में दिख रही थी, और इस बिल्डिंग लेफ्ट में दिख रही थी, अभी देखो दोनों चेंज हो गए अभी, क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ। मैं आया हूँ इसमें, यहाँ पे सामान खरीदना है, अभी यहाँ पे सामान खरीद के निकलना है। मौसम देखो बादल कैसे छाए हुए हैं, मुझे यहाँ पे जल्दी पार्किंग मिलना है भाई, नहीं तो यहाँ पे मेरे को 100 रियाल मुकालफा आया था, पीछे आके पुलिस ने फोटो खींच के चले गया था, क्या करते, इसी 100 रियाल के चक्कर में मेरे को तनख्वाह भी बढ़ गई थी, 100 रियाल वापस देने के चक्कर में तनख्वाह, माशाल्लाह तनख्वाह भी बढ़ गई मेरी, ये नहीं कि दूसरे 100 रियाल आए फिर 100 रियाल तनख्वाह बढ़ जाए। देखो ऊंट का गोश, ये ऊंट है, बकरा है, बाइल है, अंदर हर कोई चीज़ है, हर नमूने का खजूर है, ये सब खजूर है। अभी इधर का भी काम हो गया है, इधर से जाना है फिर दुकान को जहाँ पहले जाता था, उधर सामान लेके पता नहीं फिर कहाँ काम लगता है, अगर खुद नहीं जाओ ना हमारी फाड़ दे लो। शाम का मौसम, आपको कुछ समझ में आ रहा है, सऊदी अरब में सिर्फ गाड़ियां ही दिखती है भाई, कुछ नहीं है, क्योंकि घर साथ में लेके घूमते है। सोचो इतनी ठंडी में भी एसी लगा के घूमते है लोग, कभी बारिश बारिश नहीं देगी ना ये, इसीलिए अगर कभी बारिश देख लोगे तो इंडिया की जैसी जिंदगी भर उठ नहीं पाएंगे सर्दी में। आने के टाइम पे सेम रास्ते में उस साइड में लगा था जाम, सेम रास्ते में इस साइड में लगा जाम, क्योंकि यहाँ पे बीच में देखो काम चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे गाड़ी स्लो जा रही है, आगे चल के स्पीड जाएंगे। रास्ता है तुर्की का, तुर्की रोड, इसका नाम तुर्की है, ये कैमरा लगा
स्पीड का कैमरा है वो, ये है तुर्की का मेरे घर जाने का रास्ता। लेकिन तुर्की को नहीं जाता है, रास्ते का नाम तुर्की है। अबे गलत चले गया अबे, मैं गया, मैं अभी दुकान को वीडियो बनाते बनाते दूसरे रास्ते में घुस गया मैं। चलो अच्छा हुआ आगे मुझे सही रास्ता मिल गया है। चलो अंदर चलेंगे। ये ले लिया मैं, रेडीमेड मिलते हैं यहाँ पे चपाती, रेडीमेड बस भून के खाना है इसको। ये देखो चिकन है हड्डी लेस का, ऐसा मिलता है यहाँ पे चिकन। मेरे को ना दो सामान का मैसेज आया रहता है, पता है अंदर जैसे जैसे जाता हूँ 2 से 10 हो जाती है वो, पता है क्यों? वो क्या बोलते हैं, कुछ सामान कुछ अच्छा नहीं तो मैं मैसेज करता हूँ ना, तो समझो एक का बदली 4 आ ही जाते, ऐसा होता है हमारे साथ। तो अभी चलेंगे घर पे, घर पे चल के मिलेंगे, अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे। ड्यूटी से देखो मौसम, देखो भाई सऊदी अरब का माशाल्लाह, ये मस्जिद है। अभी मगरिब की अजान हो गई, पता नहीं हो गई लगता शायद। चलो नमाज के बाद में मिलेंगे, पता नहीं ड्यूटी आज, आई डोंट नो, लगी तो लगती रात में, पता नहीं क्या ठंड लगी होगी। तो भैया कल जहाँ पे पकौड़ी बनी थी आज वहीं पे भुट्टा भून रहे हैं हम लोग। क्या कर रहा है, ऐसे क्या देख रहा है अबे? लुक लुक एट दिस, लुक एट दिस। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अरे बाप रे, पिक्चर बोल खराब कर दी। अपना जदीद माफी मालूम इंग्लिश। हाँ कलम कलम आधा यश आधा फायदा, आधा फायदा ला माफी अरबिया कलम इंग्लिश। कलम 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 फायदा, माफी कुल हिंदी क्या फायदे हैं, नकलम कलम कलम यानी अरबी। अबे बहुत काला कर दिया, देखो देखो। मैं थोड़ा अच्छा भूंज भाई जी, देखो सर्दी में भुट्टा खाने का मजा है ना भाई, थोड़ा भूंजना ज्यादा अच्छा लगेगा। जो दांतों में सपरता है निकालना है, सपरता है उसका... यानी सपरता भाई सपरता मुझे और मेरे वाले भी है भुट्टे है इधर, मैं भूंज रहा था ये देखो आज कच्चा हो गया सब। दिखा दिया मेरा चोरी चोरी करके मेरा भुट्टा। आज बिरयानी कुछ बाढ़ थोड़ा भुट्टा देंगे बिरयानी खाने के लिए। हाँ चलो मेरा मेरा ब्लॉग देखेगा तो खाएगा नहीं तेरा। देखो भैया यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग खा रहे भुट्टा, इंडिया में बाजू में खेत होता है तोड़ के नहीं खाते हम लोग, ये देखो। रात के बज रहे हैं तकरीबन 8, मैं आ चुका हूँ मेरा अड्डा रियाद पार्क। वाह क्या शायरी बन गई भाई। ताली मारो। रियाद पार्क यहाँ पे आते बस, अभी देखो दिन में नहीं घूम रहे, अभी ठंडी में घूम रहे हैं। देखो 11 का टेम्परेचर, तकरीबन 8 बज रहे हैं, बहुत जाम लगा हुआ है रियाद पार्क में। छोड़ दिया उसको, पार्किंग लगाना है मेरे को, थोड़ा तुमको दिखा के बाद में पार्किंग लगाना है। रियाज पार्क से जा रहा हूँ 9 बजे, आया था 8 बजे, अभी मेरे को फोन आया जा रहा हूँ, पता नहीं घर जा रही है कहाँ जा रही है, चलो चल के मिलेंगे। ओ वेलकम हो गया मेरे रूम में, मैं आ गया छोड़ के। तो आज पता है रात में क्या करता हूँ मैं एंडिंग होने के बाद, तो आई होप आपको आपका ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, गर्दा उड़ा देना, बाद में हम फिर कल की इंतज़ार करेंगे, ठीक है? तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो, आपस में दोस्ती बनाए रखो, सलाम वालेकुम।